कुछ काम तो हो नहीं रहा है। जब काम हो ही नहीं रहा है तो अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है भाई? सिर्फ लूटने के लिए ये लोग अनुपूरक बजट ला रहे हैं। कहीं भी आप जनता से पूछ लीजिए काम क्या हो रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। काम चारों तरफ लूट ही लूट है, हर विभाग की यही हालत है। ये लोग क्या वित्त का ये लोग बहुत जानकार हैं? ये लगता है भाजपा के लोग वित्त के बड़े जानकार हैं, क्योंकि वित्त का इसलिए भी जानकार है क्योंकि देश में बड़े पैमाने पे जो देश में गड़बड़ियां हो रही हैं, 20,000 करोड़ कहां से कहां निकल रहा, कहां से कहां गायब हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि अडानी जी के पास आया कहां से पैसा, किस खाता से आया, किस खाता में घुस गया। तो ये लोग वित्त के बड़े जानकार लोग हैं। अब यदि हम काम करने के लिए सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं उसमें भी इनका पेट में दर्द है। अरे खर्च का तो हिसाब किताब जो है वो समय में सारी चीज़ों को पता चलेगा। हमारा स्वास्थ्य का इस बार कितना खर्च हुआ इनको पूछिए ज़रा। तो खर्च करें तो दिक्कत, नहीं करें तो दिक्कत। अनुपूरक बजट लाया गया है राज्य के चौमुखी विकास के लिए, और लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि राज्य में कहीं वित्तीय संकट नहीं हो और राज्य की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। बन्ना जी, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सभी विभागों में सिर्फ भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो ये अनुपूरक बजट भी उन्हीं में से एक है? नहीं, वो देखिए, अब बाबूलाल जी बड़े आदरणीय हैं और बड़े सम्मानित नेता हैं, लेकिन भाजपा के लोग यदि भ्रष्टाचार करें तो वो शिष्टाचार, और हम शिष्टाचार भी करें तो भ्रष्टाचार। तो इसलिए अब उनके इस दोहरे मापदंड में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। यदि ऐसा ही है तो बॉम्बे में जो शरद पवार जी का भतीजा जो है पहले करप्ट था, बाद में इनकी गंगोत्री में नहा लिया तो एकदम जो है साफ सुथरा एकदम निष्पक्ष हो गया। मतलब उनके साथ रहें तो उनका वॉशिंग मशीन बड़ा मजबूत, हमारे पास जो है हाथ से हम लोग धोते हैं पीट पीट के और वो वाला दोहनी साबुन लगा के। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।